नशे के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई मुहिम को आज बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने दो लोगों को नशा तस्करी के आरोप में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। डीएसपी अजायब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स टीम को इलाके में नशा तस्करी की सूचना मिली थी। टीम ने गांव करनोली के समीप एक गाड़ी को रोककर जब तलाशी ली तो गाड़ी में मौजूद राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले दो लोगों के पास से ये अफीम बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी इस अफीम को इलाके में सप्लाई के लिए लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। फतेहाबाद से न्यूज वन हरियाणा के लिए सतीश खटक की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ जो हमारे एसपी साहब द्वारा अभियान चलाया गया है उसके अंतर्गत हमारी एंटी नारकोटिक सेल में जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र था उनकी टीम द्वारा करीब 1 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसमें जोधपुर के दो मुलजिम थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक पप्पू है, एक जयप्रकाश है। उनका रिमांड लेकर उसके ओरिजिन की ट्रेस की जा रही है। तो कहाँ मिले हैं ये? ये करनोली मोड़ पे से पकड़े हैं, जो जीटी रोड पे है। कहाँ से लेके आ रहे थे ये? ये जोधपुर से ही लाए थे। तो क्या रेट इनका इसकी कीमत लाखों में है, एक्यूरेट तो मिल जाएगी, करीब लाखों से है। क्या कार्रवाई की गई है? उनमें दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया गया है और ओरिजिन ट्रेस के लिए उनका रिमांड लिया जाएगा। पहले भी इनका कोई क्रिमिनल ये परिवेश रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे थे सर ये? ये यहाँ इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उधर से जो भी इन रेट मिल जाता है उसको भेज देते हैं। ठीक है।